वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केयर आपका स्वागत है डेली एनालिसिस में एंड स्टार्टिंग ऑफ विद निफ्टी आज काफी इंटरेस्टिंग डे था हम दे, आज देख सकते हैं दिस इज द डेली चार्ट राइट हियर और अगर हम लोग ड्रॉइंग्स हाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि काफी नीचे आया था निफ्टी और ये वाला जो गैप है जो हम हमने जो गैप एक्चुअली फ्राइडे को भी देखा था फिल करते हुए वो आज फर्दर फिल किया फ्राइडे को हम लोग ने यहाँ तक देखा था आज पूरा ही गैप फिल कर दिया एंड दैट इज वेयर इट्स एक्चुअली अप फ्रॉम वी कैन सी द लो फॉर टुडे

लक्ष्मण रेखा ऑफ शॉर्ट्स तो देखते हैं अगर वो होल्ड करता है this, कि नहीं अनादर थिंग दैट वी कैन ऑब्जर्व टुडे ठीक है अनदर दैट वी कैन ऑब्जर्व टुडे एंड आई रिमूव द मूविंग एवरेजेस फॉर दिस इसकी यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि एक ब्रेकआउट सा हुआ था यहाँ पर मुझे ड्राॅइंग्स चालू रखने पड़ेंगे मैं आपको दिखाता हूँ हॉरिजोंटल लाइन के साथ एंड वी कैन सी समवेयर अराउंड हियर वॉज अ ब्रेकआउट सो ये वाला ब्रेकआउट देखा था रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई देन ऑल टाइम हाई का जो था वो इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था नाउ वीर सींग दैट लेवल बींग री टेस्टेड सो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है मेरे हिसाब से विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन निफ्टी दैट आई कैन सी निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी काफ़ी आज इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो तो अगेन यू कैन चेक दैट आउट ऑन योर ओन अगर आपको देखना है तो बिक्स दीज एपिसोड कैन बी वेरी लॉन्ग ईदर सो दैट इज वॉट माई व्यू वॉज नाउ अगर इंट्रा डे चार्ट पे आते हैं विच इज़ फिफ्टीन मिनट चार्ट अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो मैं एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है दाई जनरली रो इंट्रा डे फेवरेट रेसमेंट्स एंड वॉट वी कैन सी हियर इसकी सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स को नहीं तोड़ पाया था और सिक्सटी वन पॉइंट एट के ऊपर रहा था बट देन आफ्टर लंच आफ्टर वन थर्टी और सो ये वाला जो रेड कैंडल आया उसके बाद पूरा रिकवरी नहीं कर पाया तो मैं इसे कैसे रीड करता हूँ इन माई व्यू इन माई व्यू दिस इज़ द सेलर्स आर राइट विच मीन्स एटीन वन फिफ्टी के ऊपर एटीन वन एटी तक मेरे हिसाब से सेलर्स एक्टिव है और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक आई थिंक शायद हम लोग थोड़ा देख सकते हैं हेजिटेशन प्राइस मूवमेंट में तो दैट वुड बी द लेवल दैट आई वुड बी पर्सनली लुकिंग आउट फॉर अब अब अगर कल क्या होता है उसकी बात करते हैं वी कैन सी दैट द ट्रेंड सो फार इंट्रा डे पर सो वी सॉ अ गुड स्टडी क्लाइम एंड आफ्टर दैट हम लोग हम लोग देख रहे थे कि नीचे आ रहा था नाउ आई थिंक इट इज़ हेडिंग इट वॉज हेडिंग टूअर्ड्स अ नेगेटिव ट्रेंड सेल ऑन राइस टाइप का एन्वायरमेंट हम लोग ने पहले ही बात किया था बाजार की बातें में बट नाउ आई बिलीव इट इज इट जस्ट माइट बी शिफ्टिंग बिकॉज वॉट वी कैन सी ह्योर इज दैट दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट हायर लो इसके पहले हम लोग जो देख रहे थे वो लोअर लोज थे अभी हम लोग पहला हायर लो देख रहे हैं एंड इवन दो इट इज़ नॉट एक्चुअली मेड अ हायर हाई दिस माइट जस्ट बी द फर्स्ट साइन ऑफ पॉजिटिविटी सपोर्ट कहाँ पर है हम लोग हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली uh, यहाँ पर सपोर्ट है एटीन सिक्सटी के पास एटीन थाउजेंड सिक्सटी के पास सो दैट इज अनदर लेवल आई वुड बी लुकिंग आउट फॉर नेक्स्ट अब बैंक निफ्टी देखते हैं बैंक निफ्टी तो अपनी अलग ही दुनिया में था आज वी कैन सी इट्स अप एट हंड्रेड एंड सिक्सटी एट और टू परसेंट बट एक्चुअली सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो बैंक निफ्टी का इंट्राडे उसने क्या किया था वो है तो अगर हम देखते हैं इट वॉज अप लॉट इट वॉज अप अराउंड थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट विच इज़ इंसेनली गुड दिस इज थैंक्स टू आई सी आई सी आई बैंक एच डी एफ सी बैंक भी बीच में रिकवर किया था तो वो सारे हिसाब से हम लोग ने बैंक निफ्टी को यहाँ पर देखा था वो सारे स्टॉक्स पर हम दो मिनट में आएंगे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं वी कैन सी इट्स इट्स गॉट वेरी लॉन्ग लेग्स ठीक है वेरी लॉन्ग शेडोज वेरी लॉन्ग विक्स मतलब काफ़ी ऊपर और नीचे का मूवमेंट हुआ था इनफैक्ट अगर हम लोग डे का रेंज देखते हैं

बट इट जस्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हुआ था हम लोग देख सकते हैं दिस इज द मूवमेंट दैट वी सॉ राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर अगर रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी करते हैं तो आई एम श्योर कि हम लोग को कुछ आइडिया दे पाएगा एंड वी कैन सी दैट राइट अराउंड सिक्सटी वन पॉइंट एट इज एक्चुअली वेर इट बाउंसडअप फ्रॉम और उसके बाद हम लोग ने एक अच्छा सा देखा सो जनरली सिक्सटी वन पॉइंट एट इज कंसिडर्ड अ गुड लेवल उसके ऊपर मतलब अभी अभी अगर फोर्टी वन थाउजेंड साइक के ऊपर रहता है देन इट माइट बी गुड फॉर इंट्राडे शॉर्ट टर्म पोजिशंस और अगर ब्रॉडर टर्म लॉन्गर टर्म पोजिशन का देखते हैं वी कैन क्लियरली सी इट क्वाइट अप लॉन्गर टर्म बैंक निफ्टी की बात करें तो ये हम लोग ने एक वीडियो डाला था दिस इज एक्चुअली यू आरज वीडियो और यू आर ने वीडियो में बताया था कि हाउ इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट इफ़ यू यूज ई इसमें हम लोग ने बात की थी बैंक बीस की बैंक ई की अगर वो आपने लिया होता तो यू वुड ऑफ ऑलरेडी गेटिंग अराउंड हंड्रेड रुपीज ऑन यू नो पर शेयर ऑफ बैंक बीज आई बिलीव विच इज रियली गुड राइट सो बहुत अच्छा ही मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख सकते हैं अब अब हम आते हैं टॉप स्टॉक्स पर टॉप स्टॉक्स पर आते हैं हम लोग क्या देख सकते हैं दिस इज रिलायंस रिलायंस में वी हैर इन बाजार की बातें यू आर है शायद सौ पॉइंट गिर सकता है रिलायंस कॉन्ट्रोल आउट टूडे वॉट वी आर सी दैट प्रीवियस क्लोज से पच्चीस पॉइंट गिरा है और हाई से लगभग सौ पॉइंट के रह सो रफली वही था हम लोग देख सकते हैं कि इट दैट दैट एस्टिमेशन वॉज करेक्ट बिकॉज टुडे एक्चुअली ऑल आई वर ऑन वन स्टॉक एंड वन स्टॉक अलोन एंड दैट इज आई सी आई सी आई बैंक सो दिस वॉरस जम्पिंग हम लोग पहले ऑर्डर में जाते हैं पर आज ऑर्डर में नहीं जाएंगे क्योंकि आई सी आई सी आई बैंक ने कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर लिया है हम लोग देख सकते हैं ना क्लोजिंग बेसिस सब टेन पॉइंट एट फाइव परसेंट और इंटराडी वो अप था अराउंड ग्यारह परसेंट के आसपास हम लोग एग्जैक्ट नंबर भी देख पाएंगे रूलर टूल लिया मैंने और यहाँ से मैंने कर दिया स्ट्रेच वी कैन सी इट वॉज आप फोर्टीन परसेंट आप इज इनसेन और उसके बाद थोड़ा नीचे आया हम लोग देख सकते हैं कि 800 के ऊपर क्लोज किया है कल हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे 776 के आसपास का रेजिस्टेंस आ सकता है पर वो रेजिस्टेंस छोड़ो आठ आठ के ऊपर ही ओपन किया 800 पर ओपन किया एक्चुअली 800.00 लो उसका था 798 और हाई था 867 यू कैन इमेजिन हाउ क्रेजी द मूवमेंट वाज़ दैट इज वाई टूडे आईसीआईसी स्टार ऑफ द शो इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौदह टका ऊपर गया निफ्टी का टॉप फाइव स्टॉक ये वेरी फ्लैट जस्ट टेन पॉइंट आप हम लोग देख सकते हैं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इतना ऊपर गया हम लोग देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक कितना ऊपर गया एक्सिस गया ऊपर एक्सिस भी टॉप टेन में आता है एसबीआई गया ऊपर एस बी आई भी टॉप टेन में आता है फिर भी फिर भी निफ्टी इज एक्चुअली डाउन बैंक निफ्टी हाँ अंडरस्टैंडेबली ऊपर है पर निफ्टी इज डाउन इनफैक्ट इफ़ वी लुक एट एच डी एफ सी बैंक विच इज द नेक्स्ट ऑन आर लिस्ट हम लोग देख सकते हैं एच डी एफ सी बैंक ने भी लोज से कितना सही रिकवरी किया है फिर भी निफ्टी वॉज बेरली मूविंग और हाँ अगर यहाँ पर होता तो निफ्टी डेफिनेटली अठारह हजार के आसपास क्लोज होता शायद नीचे क्लोज होता बट हम लोग देख सकते हैं कि इतना मूवमेंट होने के बावजूद निफ्टी इज एक्चुअली नॉट गॉन दैट मच एच डी एफ सी बैंक क्लियरली वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल हम लोग ने पहले भी बात की थी, लगभग के आसपास कुछ हो सकता है, आज का लो था, then, से एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है एच डी एफ सी बैंक आर एस आई इज राइट अराउंड सिक्सटी निफ्टी आर एस आई इज जस्ट बाउंसिंग अप्रॉम सिक्सटी बैंक निफ्टी आर एस आई तो मतलब हवे में ही है अब हम लोग आते हैं इन्फोसिस पे हम लोग देख सकते हैं 1700 के ऊपर है इन्फोसिस विच इज अ गुड साइन मूविंग एवरेजेस लाते हैं वी कैन सी इट राइट अराउंड फिफ्टी एम विच इज़ अ नाइस साइन एच बैंक एच बैंक के मूविंग एवरेजेस को जैसे देखते हैं अगर आप अंडर कर रहे थे एंड देन वी कम टू देन वी कम टू एच डी एफ सी एच डी एफ सी आज ऊपर है ट्वेंटी नाइन हंड्रेड के नीचे है पर फिर भी ऊपर है विच इज अ गुड साइन ट्वेंटी एट नाइनटी सिक्स पर है डिसेंट है मेरे हिसाब से हम लोग ने जैसे बात की थी ट्वेंटी एट फिफ्टी के आसपास हम लोग शायद सपोर्ट देख सकते थे आज का लो था ट्वेंटी एट फिफ्टी सिक्स सो दैट इज वॉट वी आर सी राइट नाउ अगर आगे जाके कोटक बैंक पर आता है हम लोग कोटक बैंक में अगर लोड होता है तो वी कैन सी इट्स एक्चुअली हेल्ड ऑन टू ट्वेंटी वेरी वेल हम लोग लो देख सकते हैं ट्वेंटी एंड हाई दैट वॉज ट्वेंटी काफी ऊपर था ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई ऑब्बियली बनाया फ्राइडे बनाया था बाईस के ऊपर बट दिस इज स्टिल अ वेरी गुड वेरी गुड मूव आई वुड से हम लोग पहले बात कर रहे थे कि कैसे कोटक बैंक एक शायद मिस्ट्री जैसा हो सकता है कि क्या वो नीचे आएगा हम लोग ने पहले देखा है पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है फिर फिर से ऊपर जाता है फिर नीचे आता है अभी क्या होगा वो देखा जाएगा शायद मेरे हिसाब से अगर हम लोग होल्ड करते हैं ये वाला लेवल विच इज टू नीचे आता है फिर भी अगर टू होल्ड करते तो शायद अच्छा हो सकता है कोटक बैंक के हिसाब से मेरे इन माई व्यू अभी आगे अगर ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है इट कैन गो आप फर्दर बट दैट्स माई व्यू एस पे अगर आता है वी कैन सी द डोजी इट्स अ लॉन्ग लेगेड डोजी विच मीन्स की विक्स बड़े हैं दोनों साइड पे और बॉडी एकदम फ्लैट है हम लोग देख सकते हैं ओपन ऑर्ड फाइव जीरो सिक्स पॉइंट फाइव द क्लोज इज एग्जैक्टली द सेम फाइव जीरो सिक्स पॉइंट फाइव तो परफेक्ट लॉन्ग लेगेड डोजी है विच मीन्स की इनडिसाइसिवनेस हो रही है अगेन 500 के ऊपर है हम लोग ने पहले भी बात किया था कि यहाँ पे इंडिसाइसिवनेस है 500 के ऊपर इनडिसिवनेस है दैट डज नॉट मीन कि बैरिशनेस है दैट जस्ट मीन्स कि पीपल आर नॉट श्योर मतलब 500 अच्छा है कि नहीं लोगों को पता नहीं है ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है अच्छा नहीं है ऐसा ऐसा है कि लोगों को पता नहीं है दोनों साइड स्ट्रांग है और वही हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि लो था फोर नाइन्टी सेवन हाई था फाइव वन फाइव नेक्स्ट आप यू गॉट एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक वीकेन सी दैट इट इज अप थ्री एंड अ हाफ परसेंट ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर हम लोग देखते हैं कि टोटल ऊपर कितना था हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वेरी इजिली रूलर टूल से कैन सी इट वॉज आप रिजल्ट कब है रिजल्ट इस पे है ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर का है विच मीन्स इट्स टू मोरो सोलेट्स ये क्या होता है एक्सिस बैंक के साथ लुक्स लाइक द रिजल्ट फोर गुड बट देन फिर सेलिंग आ गया लेट्स हाउ द रिजल्ट एक्चुअली हैपन एंड या दैट दैट्स वॉट द टॉप स्टॉक्स आ लुकिंग अगर हम लोग जनरल मार्केट्स देखते हैं हम लोग देख सकते हैं लार्ज कैप्स हैव परफॉर्म्ड वेल टूडे हम लोग देख सकते हैं स्मॉल कैप्स जो है वो नीचे आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा थर्टी ये स्मॉल कैप फिफ्टी जो है वो एक्चुअली थ्री परसेंट डाउन है स्मॉल कैप हंड्रेड टू परसेंट डाउन है मिड कैप्स भी दो टका डाउन है बट लार्ज कैप्स हैव हेल्ड देयर ग्राउंड इंडाइसिस देखते हैं हम लोग सेक्टर के बैंक निफ्टी इज लीडिंग प्राइवेट बैंक्स आर लीडिंग ईवन मोर रियलिटी नीचे आया है विच इज़ फाइन आई थिंक मतलब होता रहता है ऑटो थोड़ा नीचे आया है अगेन टाटा मोटर्स और सब काफ़ी नीचे थे उतना अच्छा नहीं कर रहे वो सारे स्टॉक बट ठीक है देखते हैं लेट्स सी हाउ इट गोज सो या दैट्स दैट्स वॉट माई व्यू इज़ राइट नाउ आप देख सकते हो पिछले वीडियोज इन दिस वीडियो इन दिस वीडियो वी स्पोक अबाउट हाउ देर अ गुड चांस दैट वी माइट सी निफ्टी मूविंग इधर वे कौन सा वे क्या है हमारा व्यू हम लोग ने बात किया था अगेन यू के साथ था ये इस वीडियो में यू बताते हैं उनके स्विंग ट्रेडिंग पिक्स इस वीडियो में दज अ बैंक निफ्टी ट्रेड एंड हेयर इज द कम्युनिटी टैप विच इज़ नाउ हेयर सो कम्युनिटी टैप पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल शेयर सम पोल्स आई विल शेयर माई अनालिस एंड लॉट मोर ओवर दैसोट फोर दिस वन सी द नेक्स्ट हैप्पी ट्रेडिंग